हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कल्पना फॉर नीट बायोलॉजी. द टॉपिक आई एम टेकिंग टुडे इज एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी. एपोमिक्सिस टर्म वॉज गिवन बाई रिंकलर. रिंकलर ने एपोमिक्सिस टर्म दिया था. एपो का मतलब होता है विदाउट, और मिक्सिस यूज होता है मिक्सिंग के लिए. जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट मिक्स होते हैं, उनके जीन्स जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर ये मिक्सिंग नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. और पॉली एम्ब्रियोनिक, पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनिक अकरेंस ऑफ एम्ब्रियो, तो एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनिक. तो पहले हम पढ़ते हैं एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो क्या हो गया, ये स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. ये एस्टरेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में और कुछ ग्रासेस में ये देखा गया है. इसकी खास बात क्या है एपोमिक्सिस की, कि ये एसेक्चुअल और सेक्चुअल के बीच का है. एक्चुअली ये क्या है, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा. लेकिन ये होता किस तरह से है, जैसे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो हम कह सकते हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ए फॉर्म ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन. That mimics, नकल करता है sexual reproduction. है तो ये क्या, asexual, क्योंकि इसमें fertilization नहीं हो रहा. लेकिन ये asexual की तरह भी नहीं होता है, ये बिल्कुल उस तरह से होता है जैसे कि sexual reproduction में होता है. और ये तो हो गया apomixis. और एक टर्म और हम यूज़ करते हैं पार्थेनोकार्पी, वो इससे डिफरेंट है. उसमें क्या होता है, फ्रूट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे क्या बनेगा, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, और फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ये कहलाता है पार्थेनोकार्पी. तो पार्थेनोकार्पी एक टर्म समझ लेना चाहिए. तो ये क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थेनोकार्पी क्या है, ये फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. फ्रूट कैसे बनता है, ओवरी से, और सीड कैसे बनता है, ओव्यूल से. जो फ्लावर के अंदर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में तो फ्लावर की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन इसमें फ्लावर की जरूरत है. और जो फ्रूट बनता है वो बनता है ओवरी से. जो गाइनेशियम होता है या कार्पल होता है, एक कार्पल में क्या होता है, एक तो ओवरी होती है, ये हो गई ओवरी,
ये हो गया स्टाइल और ये हो गया स्टिग्मा, ये है एक कार्पेल। फर्टिलाइजेशन की बात ओवरी तो क्या बनाती है, फ्रूट्स, और इसके अंदर ओव्यूल होता है, ये क्या है ओव्यूल, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं ओवरी के अंदर। और ये क्या बनाएंगे, ओव्यूल क्या बनाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, ये बनाता है सीड्स। तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बनेगी फ्रूट्स में और ओव्यूल बनेगा सीड्स में। यदि बिना फर्टिलाइजेशन के ये बन रहा है तो ये हो गया पार्थेनोकार्पिक, बिना फर्टिलाइजेशन के ये बन रहा है तो ये हो गया एपोमिक्सिस। तो असली में क्या होता है, ये ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओव्यूल का जो मेन पार्ट है उसमें क्या होता है, ये न्यूसेलस होता है, मल्टी सेलुलर न्यूसेलस होता है, और इसके बाहर जो है एक या एक से ज्यादा लेयर होती हैं इंटरमीडिएटरी। ये हो गया इंटरमेंट और ये है म्यूसेलस। ये दोनों कहाँ है, ओवरी के पार्ट है। ओवरी किसका पार्ट है, फ्लावर का पार्ट है। सब क्या है, डिप्लॉयड है, इसकी भी हर एक सेल जो है डिप्लॉयड होगी, इसकी भी हर एक सेल डिप्लॉयड होगी। अब इसके अंदर यहाँ पर एक सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, उसमें साइटोप्लाज्म कंडेंस हो जाता है, वो बाकी सेल से अलग हो जाती है, किसकी सेल, म्यूसेलस की सेल, और इसको कहते हैं स्पोर, मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या है, डिप्लॉयड। अब ये डिप्लॉयड जो है, ये इसमें क्या होता है, मियोसिस होती है, माने रिडक्शन डिवीजन होता है, और अब जो बनेगा जो कुछ वो क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। इससे क्या बनते हैं, चार सेल्स बनते हैं, ये है एक एक मेगास्पोर। ये कैसा होगा, हैप्लॉयड, क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन से बना है। अब इसमें ज्यादातर तो तीन तो ये डिजनरेट हो जाते हैं, एक रह जाता है फंक्शनल, तो एक मेगास्पोर रह गया, ये कैसा है, हैप्लॉयड है। और फिर इसमें क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीजन से पहले दो, फिर ये चार न्यूक्लियाई और फिर ये आठ न्यूक्लियाई। इसकी न्यूक्लियस में ये आठ न्यूक्लियाई बनते हैं और फिर ये जाके एम्ब्रियो सैक बना लेता है। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर में इस तरह से होता है, बीच में तो ये एग है और ये दो इसके सिनर्जिड्स हैं, ऐसे ही नीचे होता है, ये तीन एंटीपोडल्स होते हैं और दो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये जो है ये है सेंट्रल सेल, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट आता है और वो किससे फ्यूज होता है, इस एग से, और एग से मिलकर क्या बना लेगा, जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट। ये कैसा होगा, टू वन। अभी तक ये सारे यहां से लेके इतना पूरा क्या था, हैप्लॉयड, और यहां पे ये क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन है और यही क्या बनाएगा, फिर एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एपोमिक्सिस होता है उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। कैसे होता है ये एपोमिक्सिस, इसके कई मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होना है, फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हुआ था, एग का फर्टिलाइजेशन हुआ था तब जायगोट बना था और उसने एम्ब्रियो बनाया था। लेकिन एपोमिक्सिस के केस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या वेज है,
और जब ये जायगोट बन जाता है, अंदर एम्ब्रियो बन जाता है, तब ये जो ओव्यूल होता है पूरा का पूरा, वो किस में बदल जाता है? सीड में बदल जाता है। तो इसलिए ये क्या रहेगा, पूरा सीड क्या रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा। तो इसके डिफरेंट वेज हैं कि जिससे ये एपोमिक्सिस कर सके। पहला तरीका क्या है कि जो मेगास्पोर मदर सेल थी जिससे ये बना था, न्यूसिलस में एक मेगास्पोर मदर सेल थी, वो क्या हो, डिप्लॉयड एग बना दे विदाउट मियोसिस एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ये सब स्टेज ना हो, केवल क्या हो, इसी से क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए। ये कैसा एम्ब्रियो हो गया, डिप्लॉयड, क्योंकि इसकी सेल माइटोटिकली डिवाइड करके मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाएगी, ये हो गया 2L। तो इसमें पहले मेथड में क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स डिप्लॉयड एग विदाउट मियोसिस एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये एग भी नहीं बना, एग नहीं बना, ये सब कोई स्टेज नहीं होगी, मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रही है और उसमें फिर हो रहा है। इसको कहते हैं रिकरेंट। ये वाला जो मेथड हो गया रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली ये एम्ब्रियो में बदल जाएगी। दूसरा मेथड जो है, दूसरे मेथड में क्या हो गया, एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम सेल्स ऑफ म्यूसिलस और इंटेगुमेंट, सेल्स ऑफ म्यूसिलस और इंटेगुमेंट। नॉर्मल केस में तो क्या हो रहा है, म्यूसिलस की एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी और उसमें मियोसिस होगा और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन म्यूसिलस की कोई भी सेल या इंटेगुमेंट की कोई भी सेल यदि एम्ब्रियो बना दे डायरेक्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तो ये भी क्या है, डिप्लॉयड है, ये भी क्या है, डिप्लॉयड है, और ये डायरेक्ट क्या बना रहा है, एम्ब्रियो, कोई सी भी एक सेल, ये कहलाती है एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी। और इसमें एक कंडीशन है, न्यूसिलस और इंटेगुमेंट ये जो है, इसमें यदि हम न्यूसिलस वाले ले कंडीशन, तो क्या होता है इनमें, न्यूसिलस वाले में सिट्रस ऑरेंज वगैरह ये है, और कुछ स्पीसीज मैंगो की, इसमें क्या होता है, न्यूसिलर सेल्स, ये न्यूसिलस है और इसके अंदर हमने बताया था क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, और इसके बाहर ये इंटेगुमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूसिलस के कुछ सेल्स सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, ये है एम्ब्रियो सैक, ये है न्यूसिलस और ये है इंटेगुमेंट। न्यूसिलस के कुछ सेल्स सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे कुछ सेल्स क्या हुई, डिवाइड होनी शुरू हुई और ये एम्ब्रियो सैक के अंदर भी फैल गई, डिवाइड होते होते ये एम्ब्रियो सैक के अंदर चल गई और ये क्या बना देती है, एम्ब्रियो बना देती है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, यही जो होगा बाद में क्या डेवलप करेगी, एम्ब्रियो। इस तरह से क्या होगा, एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे, जितने ये भी ये सेल्स न्यूसिलस की सेल्स ने एम्ब्रियो बना, सब एम्ब्रियो बनाएंगे, तो एक एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे और ये ओव्यूल बन जाएगा सीड में, इसका मतलब एक सीड में कई सारे एम्ब्रियो दिखेंगे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस के एक
कंडीशन है जिसमें न्यूसेलस की सेल्स डिवाइड होती हैं और एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड हो जाती हैं और फिर एम्ब्रियो सैक बनाती हैं। और इस तरह से ये, और ये जो एम्ब्रियो बनेगा ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। क्यों? क्योंकि न्यूसेलस की सेल्स क्या है, डिप्लॉयड है। अभी यहाँ पर रिडक्शन डिविजन कुछ नहीं हुआ इसलिए ये कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगली तरीका क्या हो सकता है एपोमिक्सिस का, जिसमें जो नॉर्मल एग सेल है ये जो नॉर्मल एग सेल था यहां पर एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये दो सिनर्जिड थे और एक एग था। तो एम्ब्रियो में एराइज डायरेक्टली फ्रॉम नॉर्मल एग, एग कैसा था, हैप्लॉयड, और यही डायरेक्टली क्या बना ले, एम्ब्रियो बना ले विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये क्या बना दे, एम्ब्रियो बना दे। और एम्ब्रियो फिर क्या बनाएगा, पूरा प्लांट बनाएगा। तो इस तरह से जो स्पोरोफाइट इस तरह से बनेगा वो किससे बना है, नॉर्मल एग सेल से, और ये क्या है, हैप्लॉयड है और बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा, इसलिए ये इसको कहते हैं नॉन, ये कहलाता है नॉन रिकरेंट। नॉर्मल कंडीशन में तो एग का फर्टिलाइजेशन होगा और उससे फिर बनेगा एम्ब्रियो, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में न्यूसेलस की सेल से या इंटरगुमेंट की सेल से ये बन सकता है। तो इस तरह से ये डिप्लॉयड या हैप्लॉयड भी हो सकता है। इसी तरह से ये सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स जो थे, इसके अंदर ये सिनर्जिड थे और दूसरे एंड पर ये तीन एंटीपोडल्स थे, ये भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फ्रॉम सिनर्जिड और एंटीपोडल्स, ये भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एम्ब्रियो बना सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये सब क्या है, हैप्लॉयड है, इसका मतलब एम्ब्रियो भी क्या होगा, हैप्लॉयड बनेगा। इसको कहते हैं एपोगेमी। तो जब सिनर्जिड या एंटीपोडल के सेल्स से विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनेगा ये कहलाएगा एपोगेमी। ये हमारे हो गए वेज, डिफरेंट वेज हैं ये किसके, एप्रोमिक्टिक टाइप एम्ब्रियो बनाने के। और ये जो है पूरी तरह से सेक्सुअल भी नहीं है और पूरी तरह से एसेक्सुअल भी नहीं है, क्योंकि एसेक्सुअल में क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, लाइक बर्ड बन गया या बुलबिल्स बन गए। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव एपोमिक्सिस होती है जिसमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है वेजिटेटिव पार्ट में और फिर वो नया एम्ब्रियो वो बनाता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एपोमिक्सिस की इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी किसमें है, सीड्स बनाने में। हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम, जिससे हम क्या कर सकें, दो पेरेंट्स के जो अच्छे करैक्टर्स हैं, जो हमारे डिजायरेबल करैक्टर्स हैं, उनको हम मिक्स कर सकें। मान लो एक प्लांट में जो है वो रेजिस्टेंस है किसी डिजीज़ के लिए और दूसरा प्लांट जो है जिसमें ज़्यादा फल लगते हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि दोनों करैक्टर्स मिल जाए, उसके लिए हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन करने से उस साल तो उस फसल में तो हमें मिल जाते हैं अच्छे क्वालिटी के चीज़ें, लेकिन क्या होगा, उसके जो सीड्स होंगे उनको हम नहीं बो सकते। हाइब्रिड जो वैरायटीज हैं उनके सीड्स को हम नहीं बो सकते, क्यों, क्योंकि सीड्स को जब हम बोएंगे तो उसमें क्या होगा, फिर सेग्रीगेशन होगा, वहाँ तो फर्टिलाइजेशन होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा करेक्टर्स का, तो फिर वही दोनों कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिल सकते। हो सकता है कि वो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस ना रहे या हो सकता है उसमें प्रोडक्शन कम हो। तो ये जो हाइब्रिड वैराइटीज होती हैं ये जो है इनका सीड्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है,
एप्टोमिटिक सीड्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जो जो एप्टोमिक्सिस से हम बना रहे हैं सीड्स, ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल टू द पेरेंट। किस चीज में आइडेंटिकल? जीनोटाइप में। मतलब यदि हमने हाइब्रिड बनाया है तो इसके एपोमिक्टिक सीड्स भी क्या होंगे, वो उसमें हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब फॉर इंक्रीजिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल्स, हम क्या करते हैं, हाइब्रिड वैरायटी कल्टीवेट करते हैं। और इस हाइब्रिड की सीड्स को यदि हम प्रोड्यूस करें एवरी ईयर तो क्या होगा, ये सीड्स जो होते हैं इनमें जीन्स सेग्रीगेट हो जाएंगे और उनमें वो जो मेन हाइब्रिड करेक्टरिस्टिक्स थी वो मेंटेन नहीं रहती हैं। तो हम हाइब्रिड सीड को, हाइब्रिड प्लांट के सीड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि हम हाइब्रिड प्लांट के सीड को ग्रो कर रहे हैं तो अगली बार जो फसल मिलेगी उसमें हाइब्रिड क्वालिटीज नहीं होंगी। लेकिन यदि हम एपोमिक्टिक करते हैं, उसके सीड्स बना लेते हैं, तो क्या रहेगा, उसमें वही रहेगा, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिनल प्लांट में थी वही इसके सीड्स में होंगी और उसी को हम ग्रो कर रहे हैं, कोई सेग्रीगेशन नहीं क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं है। तो ये हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हाइब्रिड सीड्स। और हाइब्रिड सीड्स बनाना क्या होता है, कॉस्टली होता है बहुत। और यदि इस तरह से हम हर सीजन में हाइब्रिड बनाएंगे और फिर ग्रो करेंगे, फिर हाइब्रिड बनाएंगे फिर ग्रो करेंगे, तो क्या होगा, बहुत कॉस्टली होगा। और इसकी जगह हमने एपोमिक्टिक सीड्स इनके बना लिए तो क्या होगा, हर साल उनको हम ग्रो करा सकते हैं। और तो इस तरह से ईयर आफ्टर ईयर हम ग्रो करा कर सकते हैं बिना नए बीज को खरीदे हुए। इसीलिए हाइब्रिड वेराइटीज़ के सीड्स नहीं मिलते हैं। यदि एपोमिक्टिक सीड होंगे तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एपोमिक्सिस। और पॉली एम्ब्रियोनी अभी थोड़ा सा तो हमने पढ़ लिया कि पॉली एम्ब्रियोनी माने क्या हो गया, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन साइड द सीड। एक सीड के अंदर यदि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होंगे उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था लेवेनहॉक में, सिट्रस फ्रूट में, ऑरेंज में। इन्होंने इसमें ऑरेंज में देखा कि एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हैं, और ये जिम्नोस्पर्म में भी होता है, कुछ ऑरेंजेस में भी होता है, ये जितने जिसमें लेमन्स में होता है, सिट्रस फ्रूट में ज़्यादातर होता है, लेमन्स में होता है और निकोशियाना में भी होता है। इस तरह से ये कई प्लांट्स में देखे गए हैं। ये कितने तरह से हो सकता है, कैसे हो सकता है पॉली एम्ब्रियोनी, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो कैसे होते हैं? पहला तो क्या है, बहुत सारे जो हैं एम्ब्रियो बने किससे, अलग अलग एम्ब्रियो सेट से। मतलब क्या हो गया, एक ओव्यूल में क्या है, बहुत सारे एम्ब्रियो सेट हैं। वैसे क्या होता है, एक मेगास्पोर जो है वही एम्ब्रियो सेट बनाता है, पर किसी कारणवश एक से ज्यादा यदि एम्ब्रियो सेट बन गए इसमें एम्ब्रियो सेट, और हर एक एम्ब्रियो सेट में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो ये पॉली एम्ब्रियो हो जाएगा। लेकिन ये असली में एक एम्ब्रियो सेट से नहीं है, ये ऐसा इसको कहते हैं स्यूडो पॉली एम्ब्रियो। फ्रॉम डिफरेंट एम्ब्रियो सेक, एक एम्ब्रियो सेक से नहीं है बल्कि ये क्या है, डिफरेंट एम्ब्रियो सेक से हैं, इसलिए ये कहलाते हैं, इसको कहते हैं हम स्यूडो पॉली एम्ब्रियोनी। दूसरा क्या हो सकता है, जो जाइगोट बना था, कैसे बना था जाइगोट, एग और मेल गैमेट के फ्यूजन से, ये क्या है, जाइगोट। अब इसमें या तो क्या हो, बड बन जाए और ये सेपरेट होकर ये अलग एम्ब्रियो बनाए, ये अलग बनाए,
या क्या हो सकता है, क्लीवेज हो सकता है, मतलब इस तरह का है और इसमें क्या हो गया, ये क्लीवेज हो गया माने दो में बट गया। तो या तो बडिंग, जो जाइगोट बना है वो क्या हो, बडिंग हो या क्लीवेज हो, दो में विभाजित हो जाए। जितने में विभाजित हो जाएगा या जितनी बड्स बन जाएंगे उतने ही एम्ब्रियोस में बन जाएंगे। तो ये तरीके हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी कैसे होती है। या क्या हो सकता है, जो सिनर्जिस्ट थे एग के बगल में, जो सिनर्जिस्ट थे उनका क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन, माने मेल गैमेट आके सिनर्जिस्ट से मिल जाए। वैसे क्या होता है, एक मेल गैमेट एग से मिलता है और एक पोलर न्यूक्लियाई से, पर बाय किसी कारणवश ये सिनर्जिस्ट से मिल जाता है तो ये भी क्या करेगा, एम्ब्रियो बना देगा और ये एम्ब्रियो एक एक्स्ट्रा हो गया। इसी तरह से फर्टिलाइजेशन ऑफ एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स यदि फर्टिलाइज हो गए, उन्होंने एम्ब्रियो बना दिए, तो ये क्या हो जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी। तो एक से ज़्यादा यदि एम्ब्रियो हैं, वैसे तो एक एम्ब्रियो सैक से एक ही एम्ब्रियो बनेगा क्योंकि उसके अंदर एक ही एग होता है और वो मेल गैमेट से फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन यदि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक है वो भी पॉली एम्ब्रियोनी है, लेकिन उसको हम स्यूडो पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं क्योंकि वो एक एम्ब्रियो सैक से नहीं बना, वो बहुत सारे एम्ब्रियो सैक से बना है। और यदि सिनर्जिस भी एक का भी फर्टिलाइजेशन हो जाए और वो एम्ब्रियो बनाए तो भी पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगा। एंटीपोडल्स का होता है फर्टिलाइजेशन और वो भी एक एम्ब्रियो बना दे तो नॉर्मल एम्ब्रियो तो बनेगा किससे, एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से। पर ये सारे तरीके हैं जिससे क्या होता है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन सकते हैं और एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनना उसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी माने अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियोज इनसाइड ए सीड। नॉर्मल कंडीशन में एक सीड से एक एम्ब्रियो बनता है। तो ये है इसके बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू।